हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? होप आप सब सेफ होंगे। सो आज का जो हमारा वीडियो है, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है ओमिक्रॉन वायरस में यूज़ होने वाले मेडिसिन के ऊपर। इस टाइम पे कोविड का समस्या फिर अप हो गया है। सो जो ओमिक्रॉन वायरस है, जो कि कोविड का ही एक नया वर्जन है, सो उसके बारे में, उसमें जो डॉक्टर्स कौन कौन सी मेडिसिन रिकमेंड कर रहे हैं, हम वो सारी चीज़ों को देखेंगे, उसके बारे में, उस मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी मेडिसिन को प्लीज़ विदाउट डॉक्टर्स के सलाह पे मत लीजिएगा, विदाउट डॉक्टर्स के प्रेस्क्रिप्शन पे मत लीजिएगा। ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है, आपके लिए इसका साइड इफ़ेक्ट्स भी शो हो सकता है। सो वीडियो को आगे कंटिन्यू रखते हैं, बट उससे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। एंड नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप प्लीज बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सो बढ़ते हैं आगे। सो इस टाइम पे ओमिक्रॉन वायरस जो बहुत तेज़ी से हो रहा है, खैर इसके बारे में कुछ जनरल बात डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो ये कोविड जितना, जो कोविड जो इससे पहले जो डेल्टा वेरिएंट आया था उससे ज़्यादा हानिकारक नहीं है, ठीक है। इसमें ज़्यादा पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जो डेथ रेट है वो ज़्यादा नहीं शो हो रही है। बस आपको नॉर्मल अपना केयर करना है एंड प्रॉपर मेडिसिन लेने हैं और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है, एंड इससे आप सही सेफ सही हो सकते हैं। उस टाइम पे इससे पहले जो मई अप्रैल में आई थी 2020 में और 2021 में, वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक था। तो ये वाला जो ओमिक्रॉन वायरस है, यहाँ पे आप इजीली ट्रीट हो सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। सो बनते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं मेडिसिन कौन कौन से डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं। तो जो पहली मेडिसिन जो है वो मेडिसिन से पहले हम एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं कि सबसे पहले जब आपको कोविड हो जाए तो आप सबसे पहले एक दिन में कम से कम आप 4 बार अपना फीवर चेक करेंगे, ठीक है। आपको फीवर अपना चेक करते रहना है एक दिन में 4 बार। एंड इसके अलावा आप पल्स रेट भी चेक करेंगे। पल्स रेट चेक करने के लिए ऑक्सीमीटर आता है, ठीक है। आप आई थिंक पिछले कोविड के वजह से आप ऑक्सीमीटर सबको नॉलेज में आ गया होगा, किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। तो आपको जाके क्या करना है, आपको एक दिन में 4 बार अपना फीवर चेक करना है एंड कम से कम 2 से 3 टाइम आपको पल्स ऑक्सीमीटर चेक करना है। इजीली है, इजी प्रोसेस है, उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एंड इसके अलावा अगर आप बीपी पेशेंट है, ब्लड प्रेशर है आपको, तो कम से कम आपको 2 बार ब्लड बीपी अपना चेक करा लेना चाहिए। एंड जो पहली मेडिसिन जो यूज़ हो रही है वो है पैरासीटामोल, ठीक है, जो कि डोलो 650 mg के नाम से आती है। 650 mg पैरासीटामोल यूज़ होता है जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। एंड इसको आपको, क्योंकि क्या है कि कोविड के टाइम पे आपकी बॉडी में एकदम हाई फीवर आता है, ठीक है, एकदम से हाई फीवर आता है और उसको उतरने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है एंड बॉडी पेन बहुत होता है, ठीक है, बॉडी पेन बहुत होती है और घबराहट बहुत सारी बहुत होती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए सर में भी आपके काफ़ी दर्द होता है एंड आपको जुखाम की भी समस्या रहती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको एक पैरासीटामोल 650 mg को डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। एंड इसको आपको तकरीबन 2 टाइम 3 टाइम या 4 टाइम जैसे आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे आपको वैसे लेना है। बट इसको लेना, आपको लेने से पहले आपको कुछ ना कुछ खाने में ऐड करना है, ठीक है। आपको खाली पेट नहीं लेना है, आपको कुछ ना कुछ, चाहे आप फ्रूट्स ले लीजिए या आप प्रॉपर जो डाइट है वो लीजिए, ठीक है, बट आपको खाली पेट नहीं लेना है। तो एंड इसको आपको खाने के बाद आपको लेना है, चाहे आप खाने के बाद, अगर आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया 3 टाइम तो आप 1 टाइम सुबह ले लीजिए खाने के बाद, दोपहर में आपके लंच के बाद ले लीजिए और रात में आपके डिनर के बाद आप इसको ले लीजिए। और अगर आपको 4 टाइम प्रेफर करते हैं, वैसे बहुत ही कम ही होता है कि आपको 4 टाइम प्रेस्क्राइब किया जाता है, तो इन सारी रूटीन्स में वो बीच में ऐड हो जाता है। तो ये था यूज़ पैरासीटामोल का, यानी डोलो 650 mg का। जो दूसरी है वो है मेडिसिन, वो जो यूज़ हो रही है वो है एजिथ्रोमाइसिन 500 mg में।
ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। ओके, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि आपको गले में समस्या होती है, ठीक है, जब आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो आपके गले में टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो जाती है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है। ओके, एंड आपको सर्दी जुकाम की समस्या हो तो पहले से ही होगी, ठीक है, आपकी सर्दी की समस्या हो जाएगी, आपकी ब्लॉकेज हो जाएगा, नोज़ ब्लॉकेज हो जाएगा, तो ये सारी टाइम में आपको एजिथ्रोमाइसिन या एक एंटीबायोटिक डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। ठीक, जो कोविड है ये एक वायरल इन्फेक्शन है, बट उसके जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, उसके वजह उसमें सिम्टम्स में आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी ग्रो हो जाते हैं, तो इसके लिए एजिथ्रोमाइसिन 500 mg एंटीबायोटिक आपको ये डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। एंड इसको आपको 2 टाइम लेनी है, सुबह खाने के बाद और रात में खाने के बाद, ठीक है, तो आपको 2 टाइम इसको लेना है। एंड जो तीसरी मेडिसिन है वो है मॉन्टेयर एलसी, ठीक है, मॉन्टेयर एलसी आपको शो हो रहा होगा, मॉन्टेयर एलसी बेसिकली जो एलर्जिक सिम्टम्स हैं, ओके, इनको ये ख़त्म करने का काम करता है, ठीक है, एंड इन्फ्लेमेशन को जो है वो ख़त्म करने का काम करता है, लाइक आपके जो रनी नोज़ है, आपका नाक बहना, छींक आनी, आपके आँख में पानी आता है, आपके सोर थ्रोट के लिए, टॉन्सिल के लिए, ये सारी समस्या के लिए, आपके कफ जम जाते हैं, ठीक है, कफ बाहर नहीं आता है, सांस फूलने लगता है, तो ये सारी चीज़ों के लिए मॉन्टेयर एलसी को रेकमेंड किया जाता है। एंड इसको आपको केवल एक ही टाइम लेना है, वो है रात में सोने से पहले, ठीक है, आप नॉर्मल जब रात का डिनर कर लेंगे उसके बाद आप इसको रेकमेंड कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। इसके बाद जो मेडिसिन यूज़ होती है वो है कॉर्बोल प्लस, जो कि स्टीम इन्हेलर है, ठीक है, इसके अलावा आप इसके और भी दूसरे नाम से ये आते हैं, आप उसको ले सकते हैं, रेकमेंड कर सकते हैं। कार्बोल प्लस बेसिकली एक इसका जो काम है, इसमें आपके यूकेलिप्टस रहते हैं एंड कैम्फर रहता है, जो कि आप स्टीम लेने के बाद आप इसको आपको भाप लेना है, ठीक है, इसको आपको खाना नहीं है, ठीक है, आप कई घर में आपके पास इनहेलर होगा, ठीक है, तो उस इनहेलर में आप इसको डाल के आप इसको इस कैप्सूल को डाल के आप इसको इनहेल स्टीम ले सकते हैं। और अगर आपके पास इनहेलर नहीं है तो आप खौलते हुए पानी में, एकदम पतीले में पूरा खौलता हुआ पानी लीजिए एंड इसको आप पोर करिए, इसको तोड़ के उसमें डाल दीजिए, इसके जो लिक्विड है इसमें डालने के बाद आप गर्म कपड़े, कोई भी कपड़े से आप इसको ढक के आप इसको स्टीम लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम लीजिए, कम से कम आप दिन में 3 बार लीजिए आप, ठीक है, पूरे 24 आवर्स में आप इसको 3 बार स्टीम लीजिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, 3 बार आप लीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जो इसमें आपको सबसे पहली बात यूकेलिप्टस यूज़ हुआ है एंड कैम्फर यूज़ हुआ है, तो ये जो आप इसका काम है कि जो कफ जम जाता है, इस कफ को बाहर निकालने का ये काम करता है, पतला करके उसको बाहर निकालने का काम करता है, और जो नाक जो आपका बंद हो गया जुकाम की वजह से, तो बंद नाक को खोलने का काम करता है, एंड जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर कुछ इन्फेक्शन हो तो उसको ये ट्रीट करने का काम करता है। तो इनहेलर आप ज़रूर लीजिएगा, ठीक है, आप स्टीम ज़रूर लीजिए, चाहे आप कार्बोल प्लस लीजिए या इसके कोई दूसरे भी नाम से ब्रांड आते हैं, तो आप उसको रेकमेंड करिए, उसको भी कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टीम ज़रूर लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम लेना है, तकरीबन 2 से 3 बार आपको एक दिन में 24 आवर्स में लेना ही लेना है। इसके अलावा जो आपको यूज़ करना है मेडिसिन वो है बीटाडिन गार्गल। बीटाडिन गार्गल आपको गार्गल करने के लिए यूज़ करना है। इसमें कई बार क्या होता है कि जब आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो आपका जो टॉन्सिल का प्रॉब्लम हो जाता है, सोर थ्रोट में का प्रॉब्लम होता है, आपको इन्फेक्शन हो जाता है गले में, ठीक है, तो आपको उसमें बीटाडिन गार्गल आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, आपको इसको गर्म पानी में इसको एक ढक्कन ऐड करके प्रॉपर इसको गार्गल करना है, जिस तरह से आप गार्गल करते हैं, बेसिकली इसमें एक पोवोआयोडीन ऐड है जो कि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी शो करता है, एंड ये आपके जो टॉन्सिल की प्रॉब्लम है एंड सोर थ्रोट की प्रॉब्लम है और जो हल्के फुल्के इन्फेक्शन हुए रहेंगे उसको ये ट्रीट करेगा। एंड इसको जो आपकी जो अल्सर की समस्या, कई बार होता है क्योंकि आप हाई डोज मेडिसिन ले रहे हैं तो थोड़े बहुत आपको अल्सर की भी समस्या हो सकती है, ठीक है, मुंह में छाले हो सकते हैं, तो आप मुंह में भी उसको आप कुल्ला कर लीजिएगा, तो ये आपका उसको ट्रीट करने में हेल्प करेगा, तो आप बीटाडिन गार्गल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
तो बेटाडीन गार्गल आपको यूज़ करना। और अगर आपके पास बेटाडीन गार्गल नहीं है तो आप नॉर्मल गुनगुने पानी में, ठीक है, वार्म पानी में आप हल्का नमक ऐड करके आप गार्गल कर सकते हैं, जो हर घर में, ठीक है, होता है। तो ये हमें कॉमनली पता है कि गार्गल ऐसे ही करना है, गर्म पानी में नमक डाल के आप गार्गल कर सकते हैं, बट आपको ज़्यादा इफेक्ट आपको पोवाडीन में मिलेगा। इसके बाद जो अगली मेडिसिन है वो है जिंकोविट। जिंकोविट को मैं मल्टीविटामिन के कैटेगरी में रख रहा हूँ। तो जिंकोविट में बेसिकली इसमें जो जिंक है वो मेन कंपोजिशन में ऐड है, एंड इसके अलावा इसमें और भी सारे जो दूसरे कंपोजिशन इसमें ऐड किए गए हैं। इसमें ग्रेप का एक्सट्रैक्ट है, अंगूर का एक्सट्रैक्ट यूज़ हुए हैं, एंड विटामिन सी इसमें यूज़ हुआ है। तो इसमें एक और भी इसमें एक्सट्रैक्ट यूज़ हुए हैं। तो बेसिकली जिंकोविट आप एज अ एक मल्टी विटामिन है और उसको आप ले सकते हैं, एंड इसको आपको यूज़ करना है तकरीबन आप इसको 2 बार या 1 बार आपको लेना है, ठीक है। एंड इसके बाद जो जो अगली मेडिसिन है वो है लिमसी, ठीक है। लिमसी काफ़ी कॉमन है और लिमसी आपको लेना है जिसमें वाइटामिन सी है, ठीक है। एंड इसको आपको लेके आपको चूसना है, ठीक है, और ये आपके वैसे ही मुंह में घुल जाएगी। एंड इसको आपको 3 टाइम आपको ये मेडिसिन आपको यूज़ करनी है। एंड इसके अलावा अगर आप कोई विटामिन सी से रिलेटेड कोई फ्रूट्स है वो भी खा सकते हैं, लाइक आप ऑरेंज प्रेफर कर सकते हैं, आप पाइनएप्पल प्रेफर कर सकते हैं, आप मौसम भी प्रेफर कर सकते हैं, एंड नींबू प्रेफर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप प्रेफर करिए। एंड तो ये था यूज़ लिमसी का, ठीक है। इसको आपको 2 से 3 टाइम लेना है। तो बेसिकली मैं लिमसी और जिंकोविट को एक एज अ मल्टी विटामिन के कैटेगरी में रख रहा हूँ। इसके अलावा जो अगली मेडिसिन है वो है आइवरमेक्टिन, जो कि 2 mg की है। तो आइवरमेक्टिन भी रिकमेंड की जाती है आपको, एंड इसका भी आपको इन्फेक्शन को ट्रीट करने में आपको हेल्प करता है। ये जो वायरल इन्फेक्शन है उनको ट्रीट करने के लिए आइवरमेक्टिन यूज़ किया जाता है। तो इसको आपको तकरीबन 2 बार लेना है एक दिन में, ओके, सुबह और रात में। तो आप इसको 2 बार ले सकते हैं। तो ये एक आइवरमेक्टिन का यूज़ था। इसके अलावा मेडिसिन तो अपना काम करेगी ही करेगी, इसके अलावा आपको जो अगला काम करना है वो है आपको अपनी डाइट, प्रॉपर डाइट लेनी है, ठीक है। आपको जो आपका जो फूडिंग कल्चर होगा, आपका जो फूडिंग होगा उस टाइम पे। इसके अलावा जो आपको अगली चीज़ ध्यान में रखनी है, क्योंकि मेडिसिन आप ले रहे हैं तो वो अपना काम करेगी, बट मेडिसिन अपना काम अच्छे से तभी काम करेगी जब आपका जो फूडिंग हैबिट होगा वो प्रॉपर होगा। यानी जो आपको डाइट लेनी है वो प्रॉपर डाइट लेनी है। आप खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट लीजिए, आपके खाने में ज़्यादा से ज़्यादा साइट्रस फ्रूट होगा, यानी वो फ्रूट जिसमें विटामिन सी ज़्यादा है, जैसे मैंने आपको बता दिया नींबू, पाइनएप्पल, मौसम्बी, ऑरेंज, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ग्रेप्स एंड एप्पल आपको डेली लेना है उस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर लेनी है फ्रूट्स। एंड इसके अलावा आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, जैसे कि पनीर, एग्स, दाल, ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, सोयाबीन आप ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। एंड इसके अलावा जो आप डेली रूटीन में नॉर्मल खाते हैं आप उसको ले सकते हैं। एंड थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करिए, ठीक है, एंड स्ट्रेस फ्री रहिए, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, आप एकदम आराम से ट्रीटमेंट आपको हो सकता है। और अगर आपकी केस क्रिटिकल है तभी आप डॉक्टर्स हॉस्पिटल में जाके आप अपना प्रॉपर इलाज करा सकते हैं। तो ये था यूज़ ओमिक्रॉन वायरस में यूज़ होने वाले मेडिसिन के लिए, कोविड में होने वाले मेडिसिन के लिए, ठीक है। होप यू लाइक द वीडियोस, एंड इफ यू लाइक द वीडियोस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।